हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने गॉस लॉ की हेल्प से कंडक्टिंग सेल का फील्ड निकाल लिया था, इनसाइड निकाला था, आउटसाइड निकाला था और सरफेस पे फाइंड आउट किया था। और आफ्टर दैट हमने सेल्फ एनर्जी डिस्कस किया था हमने। अब हम फाइंड आउट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग या हम बोल सकते हैं नॉन कंडक्टर। क्या एप्लीकेशन है गॉस लॉ को स्फेरिकल सिमेट्री पे ही कर रहे हैं अप्लाई, बट किसके लिए स्टूडेंट्स? नॉन कंडक्टिंग पे। ये देखें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे मतलब कि ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल फाइंड आउट कर रहे हैं गॉस लॉ की हेल्प से। सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, बट हमें इसकी सेल्फ एनर्जी को भी स्टडी करना है तो हम कर लेते हैं इसको। देखें, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, इट मींस ओवर द एंटायर वॉल्यूम, नॉट सरफेस, ओवर द एंटायर वॉल्यूम चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया हमने। यू कैन सा रबर बॉल, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज को स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली। तो आप बताएंगे, जब भी हम चार्ज को वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो रो हमारा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रो? रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और रो कितना हो गया इसका? इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, और क्यू इस पे टोटल चार्ज है, तो इसका रो कितना हो गया? क्यू बाई वी। वॉल्यूम कितना स्टूडेंट्स? 4/3 πr³। तो हमारा क्यू तो आ गया, कितना आ गया? रो इंटू 4/3 πr³। क्लियर? बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके बच्चों, अगर हमारे पास कंडक्टिंग है कि वो होलो है कि सॉलिड है, हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि होलो है सॉलिड है, कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड क्या होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है। आउटसाइड हमेशा जब आर हमारे पास ग्रेटर देन आर हो और इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जब आर हमारे पास आर हो, क्लियर? आर अगर हमारे पास ग्रेटर देन आर है तो ई की वैल्यू होगी के क्यू बाई दिस, सॉरी दिस वन इज आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर हो और सरफेस पे हो तो आर इज इक्वल टू आर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इनसाइड हो, सॉलिड हो और इनसाइड हो, होलो में तो कंडक्टिंग और होलो में इनसाइड जीरो था, और अगर सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है तो इनसाइड हम लोग पहले भी ग्रेविटेशन में ये चीजें डिस्कस की हुई है, के क्यू बाई आर क्यू और इंटू आर। आप पुट करके देख लीजिए ये सारी चीज, अगर कंडक्टिंग है तो क्यू जीरो होता है अंदर, तो ई क्या आएगा हमारे पास? जीरो। नॉन कंडक्टिंग की बात करें, आर की वैल्यू सरफेस पे क्या हो गया? आर हो गया, तो वही आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमें मेनली जो डिस्कस करना है नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, वो हम कहां निकालना चाह रहे हैं? उस पॉइंट पी पे जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल आर है और वो लेस देन क्या हो? कैपिटल आर। तो हम अप्लाई करते हैं रो, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड जिसके ऊपर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रो क्या हो गया हमारा? क्यू बाई वी। तो यहां से क्यू फाइंड आउट कर लिया, रो इंटू 4/3 πr³। आउटसाइड जब भी है हमें रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, ई की वैल्यू इनसाइड अगर निकालनी है तो क्या रिजल्ट है? के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, सरफेस पे पुट करना है तो इस आर की वैल्यू आर पुट कर दो, और आउटसाइड
ची होलो है ची सोलिड है कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग आउटसाइड क्या होता है कि q by r square where this r is greater than r मतलब means point p lie outside the cell. अब हम inside the Gaussian surface एक Gaussian surface consider करते हैं जिसका radius r है वो less than capital R है. बोर्ड पे देखेंगे हमने क्या किया स्टूडेंट्स इसका ये हमने एक स्मॉल स्फीयर कंसीडर कर लिया दिस वन. हम अलग से दिखा देते हैं इसको. ये गॉसियन सरफेस मान लिए तो पहले तो हम इसमें क्या निकाल लें सबसे पहले तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम इसमें चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं. इसमें चार्ज कितना मान लिया दिस वन इज गॉसियन सरफेस दिस इज गॉसियन सरफेस वॉल्यूम कितना इसका रेडियस कितना मान ले स्मॉलर तो सबसे पहले इसकी इनसाइड चार्ज फाइंड आउट करते हैं q इसके चार्ज इनसाइड क्या मान ले q डैश मान ले कितना आ गया q डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4 बाई 3 पाई स्मॉल r क्यूब तो q इनसाइड कितना आ गया q डैश कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स कितना आ गया क्यू आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू. अब हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी डीएस मान लीजिए दिस वन इज डीएस एरिया वेक्टर एन कैप गॉस लॉ को अप्लाई करें फील्ड की डायरेक्शन वही होगी तो गॉस लॉ क्या कहता है ई डॉट डीएस क्या होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन कितना है हमारा q r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब थीटा जीरो एरिया कितना हो गया इसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया q कैपिटल r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब. तो देखें r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा e कितना है हमारा इनसाइड q r डिवाइडेड बाई 4 पाई दिस वन इज q बाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स दिस वन इज बाई एप्सिलॉन नॉट तो q r बाई r क्यूब क्लियर इनटू क्या आएगा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हम इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं k q r बाई r क्यूब. तो अब देखो मैंने इनिशियली बताया था इनसाइड जो रिजल्ट है वो क्या बोला था के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब सरफेस पे फाइंड आउट करना है तो इस आर को कैपिटल आर पुट कर दीजिए आप तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया. आउटसाइड पुट करना है तो हमने बता दिया कि वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है. आउटसाइड हमेशा क्या होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें. अब ग्राफ बनाते हैं इसका बोर्ड पे देखेंगे आप हम इसी से बनाते हैं ग्राफ सरफेस ओरिजिन सेंटर मान लिया हमने ये ई हो गया. अब इधर क्या हो गया आर लेस देन आर. अब आर लेस देन आर पे रिजल्ट हमारा क्या कहता है ई डायरेक्टली आर है हमारा तो आप देखेंगे आर लेस देन आर ई डायरेक्टली आर हो गया. आर इज इक्वल टू आर पे पुट करेंगे तो वही आ गया. इस पॉइंट पे ई क्या हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर और आउटसाइड तो हमें पता ही है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड एज वेल एज सरफेस. तो मैक्सिमम कहां पर है सरफेस पे क्लियर. अब हम इसका सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. अब सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या हुआ सबसे पहले हम पूरा का पूरा स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है. हेडिंग क्या डालें हम इसका सेल्फ एनर्जी ऑफ आ चार्ज स्फीयर कैसा है नॉन कंडक्टिंग. देखिए बोर्ड पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ एनर्जी क्या निकाल रहे हैं सेल्फ एनर्जी किसका सेल्फ एनर्जी किसका निकालते हैं क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम
सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज स्फीयर। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये चार्ज का स्फीयर कंसीडर किया, ये चार्ज का स्फीयर है जिसका रेडियस है वो हमने क्या मान लिया कैपिटल आर, और जिस पे क्यू चार्ज है। ठीक है, हमें एक स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करना है, कहां से चार्ज लाना है, इन्फिनिटी से स्मॉल अमाउंट चार्ज लाना है, और एक स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करना है जिस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उसके ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वो हमने मान लिया क्यू है। हम एक चार्ज की बॉल बना रहे हैं जिसके ऊपर कितना चार्ज असेंबल करना हमें क्यू, तो हमें टोटल चार्ज चाहिए उस स्फीयर पे, और जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, हमें ये एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था सेल्फ एनर्जी क्या होती है, स्मॉल अमाउंट्स में इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे और उसको असेंबल करेंगे, किसके ऊपर, एक स्फीयर में असेंबल करेंगे जिसका रेडियस आर है, और इसमें चार्ज कितना असेंबल करना है, ये चार्ज बोल कितने क्वांटिटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसके अंदर चार्ज का, वो हमने मान लिया क्यू। आप स्मॉल क्यू कंसीडर करते हैं या टोटल जो भी आप कंसीडर करें, ये क्यू इसके ऊपर टोटल चार्ज है सपोज कीजिए। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट मान लिया, ये एक एलिमेंट कंसीडर किया उस स्फीयर का जिसका जो थिकनेस है वो हमने डी आर कंसीडर किया, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में हमने चार्ज को असेंबल किया इनफिनिटी से और ये चार्ज बॉल बना लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया जिस जो एलिमेंट सेंटर से आर रेडियल डिस्टेंस पे है, तो ये रेडियल डिस्टेंस क्या होगी ऑल ओवर द स्फीयर। एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका थिकनेस हमने मान लिया स्टूडेंट्स डी आर है, क्लियर, और इस पे जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने मान लिया, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, दिस एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया विच आर एट अ रेडियल डिस्टेंस आर ऑल ओवर द स्फीयर, ऑल ओवर द स्फीयर रेडियल डिस्टेंस आर के ऊपर है ये। अब एक तो हम एक एलिमेंट जो माना हमने जिसकी थिकनेस डी आर है और जो सेंटर से कितना रेडियल डिस्टेंस पे है आर, एक तो हम इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, और एक जो इसके इनसाइड जो ये बच गया हमारा जिसका रेडियस आर है इसमें चार्ज निकाल लेते हैं। इसके दो मेथड हैं जो आपको बेटर लगे वो समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले तो इस वॉल्यूम पे चार्ज निकाले जो अंदर अंदर का वॉल्यूम है जिसका रेडियस आर है, इसके ऊपर चार्ज मैंने क्यू वन मान लिया। क्यू वन किस पे चार्ज है, क्यू वन किसके ऊपर चार्ज है, जिस स्फीयर का रेडियस कितना है आर, इसके ऊपर चार्ज निकालना चाह रहा हूं, तो इस पे तो चार्ज मैं निकाल ही सकता हूं क्यू वन, क्यू पूरे स्फीयर पे चार्ज हमने एक्युमुलेट करना है अपॉन कंप्लीट का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³, और इनसाइड चार्ज कितना असेंबल कर चुके हम इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 πr³। तो इनसाइड जिसका रेडियस आर है इसके अंदर चार्ज क्या मान लिया हमने, क्यू वन असेंबल कर चुके हम, कलेक्ट कर चुके, तो क्यू वन कितना आ गया, कैंसिल आउट हो गया qr³/R³। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें ये स्फीयर कंसेप्ट करना है, इन्फिनिटी से चार्ज लाना है स्मॉल अमाउंट्स में, और इनिशियली हम मान लेंगे कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज मान लिया कि हमने एक स्मॉल बॉल बना दी, जैसे दिस बॉल, ये बॉल बना दी जिसका रेडियस है r, राइट, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³। तो इस बॉल का r रेडियस थोड़ी चाहिए, हमें तो जो बॉल को कंस्ट्रक्ट करना है, जो स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है चार्ज का, उसका रेडियस कैपिटल आर होना है। तो इसके ऊपर पहले तो मैंने इसके ऊपर चार्ज मान लिया क्यू वन, तो क्यू वन निकाल लिया हमने। अब हमने क्या, हमने और चार्ज एक और क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया जिसका थिकनेस डी आर है, जो कितनी रेडियल डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। अब स्फीयर का साइज और बढ़ गया, आर प्लस डी आर हो गया, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने क्या मान लिया, क्यू टू मान लिया। अब क्यू टू को आप फाइंड आउट कर सकते हो, Q2 कितना हो गया, Q पूरे पे है पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम बताएं आप 4πr² इंटू क्या लिखूं मैं, dr हो गया, कैंसिल आउट कर दें, 4π से 4π कैंसिल हो गया, Q2 कितना चार्ज आ गया,
थ्री क्यू आर स्क्वेयर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या आ गया डी आर। बट हमें तो यहीं पे नहीं रुकना, हमें तो ये स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है जिसपे चार्ज कितना हो क्यू और जिसका रेडियस कितना हो आर। तो अब क्या करें, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो हम यू का इक्वेशन लिखते हैं, यू इज इक्वल टू स्मॉल एनर्जी आ गई, यू इज इक्वल टू डी यू क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। के क्यू वन किस पे चार्ज है आर, जिसका रेडियस क्या है वो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आर, कितना है क्यू वन, के क्यू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। क्यू टू किस पे है, वो एलिमेंट जो रेडियल डिस्टेंस आर पे फ्रॉम द सेंटर, इसका वॉल्यूम कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो इस पे चार्ज हमने क्या मान लिया क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन आ गया, क्यू टू कितना है 3 क्यू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। क्लियर, हमने क्या इक्वेशन लगाया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है टू पार्टिकल सिस्टम में, बोला आपको के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है। अब हम इंटीग्रेट करते स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी जीरो, जो कंस्ट्रक्ट करना स्फीयर का रेडियस क्या है आर, हम इंटीग्रेट करें दो बोथ साइड, इंटीग्रेट हो गया जीरो से कैपिटल आर। अब तो कैलकुलेशन है, आप सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा हमारे पास, नीड नहीं होनी चाहिए आप लोगों को खुद सोल्व करना चाहिए, यू इज इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ गया, थ्री कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, क्यू स्क्वायर बाहर आ गया हमारा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर और था एक हमारे पास दिस वन, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो अंदर कितना बचेगा जीरो से आर, आर की पावर फोर इंटू डी आर, थ्री के क्यू क्या आ गया इंटीग्रेशन इसका आर की पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव, लिमिट बोलेंगे जीरो से आर, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, तो कितना आएगा थ्री, के की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर है हमारे पास, क्लियर, इनटू क्या आ गया आर की पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, तो कितना है बताएंगे सेल्फ एनर्जी थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर क्या आ गया 3 क्यू स्क्वायर 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे कॉमन भी था स्टूडेंट्स, एक ध्यान से देखेंगे आप आर की पावर कितना था ये, तो ये हमारा आगे 3 क्यू स्क्वायर, देखो एक टर्म मिस हो गया हमारा, कौन सा ये आर की पावर 6 है ना, ये और लिखेंगे आप आर की पावर 6 आर की पावर 6 आर की पावर 6, तो यहां पर क्या आ गया आर की पावर 5 और नीचे एक और टर्म कितने आर की पावर 6, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्टूडेंट्स दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट माना जिसकी थिकनेस कितनी थी dr, dr थिकनेस थी और जो कितनी डिस्टेंस पे था रेडियल डिस्टेंस r के ऊपर था, क्लियर, q1 हमने चार्ज मान लिया जिसका रेडियस r है, q2 किस पे माना था जिसका रेडियस कितना था कितना r प्लस dr, तो dr के ऊपर जो चार्ज है वो हमने क्या माना, जिस एलिमेंट की थिकनेस dr है उस पे चार्ज q2 माना। हमारा फर्स्ट जो चीज था, सिर्फ हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है इसमें, एक तो Q1 एक Q2, Q1 किस पे चार्ज है दिस, कितना निकालेगा R रेडियस पे, Q कितना निकलेगा Q1 Q by 4 pi R cube into 4 pi this R cube, Q1 find out कर लिया, Q2 किस पे निकालना है इस एलिमेंट पे, कितना आएगा Q by 4 pi R cube into वॉल्यूम कितना हो गया 4 pi R square into dr, after that हमने क्या किया du निकाल लिया, K Q1 Q2 by R इंटीग्रेट कर दिया कहां से 0 से R। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।